आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना The question is how many ATP are required to form one molecule of ammonia by nitrogen fixation through rhizobium एटीपी ट्वेंटी एटीपी एट ए टीपी एंड फोर ए टीपी तो कितने हमारे ए टीपी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए बाय राइजोबियम तो यहाँ पे राइजोबियम क्या है हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा ओके अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या मतलब है सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते तो उसको यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे सिम्बायोटिक भी होंगे जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ हमारे फ्री लिविंग होंगे तो यहाँ पे जो राइजोबियम है वो हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है अब हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन ये हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है प्लस एट इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन देन 16, यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स यू एक एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे जिससे हमारे प्रोड्यूस होंगे दो अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन प्लस सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन फॉस्फेट तो यहाँ पे दो अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए सिक्सटीन ए टीपी कंज्यूम हुए हैं लेकिन यहाँ पे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात की गई है तो हम सिंपल बोल सकते हैं कितने ए टी पी के मॉलिक्यूल यूज होंगे हमारे एट दो अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए सिक्सटीन ए टी पी और एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए एट ए पी की एक एट ए टी पी मॉलिक्यूल की जरूरत होगी तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड ऑप्शन एट ए टी पी क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर